जो भगवान नहीं देता वो डॉक्टर देता है, तो आप समझ ही जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। तो जो वही हमारे डॉक्टर पराग तेलंग है, मेरे लिए तो गॉड है, आई स्वेयर, बिकॉज ही हैज गिवन मी न्यू लाइफ। डॉक्टर पराग तेलंग और डॉक्टर मिनल जो एनेस्थेटिक डॉक्टर है, और मैं मेरी लाइफ इन दोनों के हाथ में है। आई मीन जब भी मुझे कुछ सर्जरी करानी होती है, you can say that breast surgery ho ya any kind of surgery, to I go to Dr. Parag Teleng, aur kuch bhi face pe shayad botox bhi karane ho, industry mein ho ya India mein koi bolta nahi hai, but I'm so upfront and I'm so frank ke karate sab hain, 99% karate sab hai, bolte nahi hai, but yes thank you doctor ke you made me so beautiful। क्योंकि जब कहते हैं ना कि बर्थ से जो इंसान बॉर्न होके आता है, जब ग्रो होता है, बड़ा होता है, तो कुछ ना कुछ चीजें कम हो जाती है जब आपको एक एक्ट्रेस बनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ फेस पे हो, बॉडी पे हो, तो जैसे गॉड हमें भेजता है तो आटा कम पड़ जाता है इन माई लैंग्वेज, तो थोड़ा सा हमारे डॉक्टर के पास कभी भी कोई भी किसी भी चीज का आटा कमी नहीं पड़ता। चाहे तो आई हैव डन अ फ्यू सर्जरी विद डॉक्टर पराग तेलंग, डॉक्टर रमिनल, और इनका क्लिनिक यहाँ पे इतना सो ब्यूटीफुल है। तो आज आए हैं डिजाइन बॉडीज, राइट, बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगी कि प्लीज इफ यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल, प्लीज कम टू डॉक्टर पराग तेलंग। मैं अभी मैं इतनी सरप्राइज हूँ कि 1000 से भी ज्यादा सर आपने सर्जरियां करी है, 3000 से भी ज्यादा सेक्स चेंज में, टोटल 3000, हाँ वो सेक्स चेंज वाला अराउंड 1000, तो इतनी अच्छी बात है। एंड मैं तो हमेशा डॉक्टर पराग तेलंग के साथ हूँ, डॉक्टर मिनल जी के साथ। या ताकि एज यू सेड कि इंडस्ट्री में बहुत लोग कराते हैं बट कभी सामने नहीं आते। देखो उनकी अपनी लाइफ है, वो आए वो क्यों आए, मैं जरूरी नहीं कि मैं अपफ्रंट हूँ, मैं बोलती हूँ यस आई हैव डन अ ब्रेस्ट सर्जरी एंड माय डॉक्टर हैज डन अ ब्यूटीफुल ब्रेस्ट सर्जरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड बिकॉज समटाइम्स यू फील वेरी कॉन्फिडेंट तो एंड मुझे इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है, एंड आई फील ही इज द बेस्ट सर्जन। इसके पहले मैं आई हैव डन इट ट्वाइस, इसके पहले किसी और डॉक्टर से करवाया था, तो दैट माई सर्जरी इज गॉन रॉन्ग, एंड मैं रोते रोते सर के पास आई, सर मेरा सर्जरी रॉन्ग हो गया, मैं क्या करूँ। तो सर्जन बोला बिल्कुल टेंशन मत लो, तो बस लेट गए ऑपरेशन थिएटर में, हमारी मैम ने मुझे एनेस्थेटिक ड्रग्स देकर बेहोश हो गई, और जब मेरी आंखें खुली तो माई ब्रेस्ट वॉज न्यू, yes yes I have done it, aur mujhe isme koi sharam nahi, it's my body and I want to look good, yes thanks to you sir। to is chalan ko aap kis tarah dekhenge, jo jo chupane wale jo chalan hai, yani accept karna unko, dekho sabki apni life hoti hai, sabki apni life hoti hai, main pehle day one se main upfront rahi hu, और मैंने हमेशा कहा कि यस कभी कभी लिप इम्प्लांट इंसान कराता है, कभी नोज कराता है, कभी फेस पे बुटॉक्स कराता है, कोई लापो कराता है, कोई ब्रेस्ट सर्जरी कराता है, कोई हिप इम्प्लांट कराता है, एंड व्हाई नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई अगर वो है एक आदमी एक औरत को डाइवोर्स देता है जस्ट बिकॉज शी इज पुट ऑन वेट एंड शी इज लुकिंग अगली एंड शी इज लुकिंग थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है, वो बुरी बात है। सर्जरी कराना बुरी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है। तो आई थिंक कि जब डॉक्टर जिंदाबाद है, डॉक्टरों को गॉड ने इतना अच्छा ब्रेन विजडम दिया है, एंड दे आर डूइंग सो हार्ड वर्क ऑन विमेन एंड सब पे, तो अगर वो एक लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, तो व्हाई नॉट। कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, कभी नोज ठीक नहीं है, कभी आई में प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर का एक पेशेंट आपके पास था जिसको इयर्स नहीं था, सर वो बता
बताइए जो यहाँ के पर्सनली में से निकाल के। कुछ बच्चों को बाय बर्थ ईयर एब्सेंट होता है, तो वी रिमूव रिब कार्टिलेज फ्रॉम द चेस्ट एंड ईयर नया बनाया, यू नो, सो गुड। तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि चुपके बैठ जाना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। लोग आप अच्छा करोगे तो भी सोचते हैं, आप अच्छा नहीं करोगे तो भी सोचते हैं। तो मुझे लगता है मैं हमेशा सामने आके, और मैं अपने डॉक्टरों को व्हाई नॉट, मैं तो बहुत ही थैंक्स कहती हूँ कि आप लोग की वजह से यू नो बहुत सारे डाइवोर्स भी बचे हैं, बिकॉज दे विमेंस लुक्स गुड। और जिसको बोलना होता है बोले, जिसको ना बोलना है तो नहीं बोलते। मैं तो बोलती हूँ, यू नो, एंड आई एम नॉट मैरिड तो मैं बोल सकती हूँ। मैरिज अगर मुझे करना है तो मैं बोलूँगी पहले एक सर्जरी डॉक्टर के पास, देन आई विल मैरी यू। इंडिया में किस तरह की डिमांड आप देखते हैं सर्जरी? ऑल कॉस्मेटिक सर्जरी, सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज की डिमांड बढ़ते जा रही है, ज्यादा करके नोज करेक्शंस, फैट रिमूवल सर्जरीज, टमी टक जिसको कहते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी जब फैट बढ़ जाता है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज आर इंक्रीजिंग नाउ। बट एज आई सेड, इट इज इम्पॉर्टेंट टू गो टू द प्रॉपर डॉक्टर हु इज क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेन्ड इन दिस सर्जरीज, सो देन यू कैन हैव अ गुड रिजल्ट। मैं आई हैव रिक्वेस्टेड डॉक्टर के, डॉक्टर आजकल अब्रॉड में बहुत सारे यू नो इतने सारे जीएलओ से सबके हिप्स इम्प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अब्रॉड में हिप्स इम्प्लांट होते हैं। आई सेड डॉक्टर डू समथिंग टू माय हिप्स, यू नो, कैन यू सी? डॉक्टर क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर बोला वेट एंड आई डू समथिंग, हम सोचते हैं कुछ। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैंने अभी करवाया नहीं है, बट इन फ्यूचर यू नेवर नो, मे बी आई विल डू इट अगर डॉक्टर ने चाहा तो। अच्छा, राखी का एक सवाल करना चाहूंगा कि आप फिल्म फ्रेटर्निटी है, आप हिस्सा है फिल्म इंडस्ट्री का, हाल ही में खन्ना साहब का एक सैड डिमाइज हुआ था, लेकिन इसके चलते फिल्म इंडस्ट्री को काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है, ये इसलिए क्योंकि आज के जनरेशन के कलाकार है वो उनके अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे उनके जनरेशन के भी। इस देखिए, दिस इज वेरी सैड न्यूज। मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ विनोद खन्ना जी की, लेकिन इतना जब ये न्यूज सुना हमने तो बहुत ही सैड हुए, लेकिन ये सबको आने देना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम उनके फैन रह चुके हैं। ही वॉज अ ग्रेट हीरो, लेजेंड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों किया है, इन फ्यूचर गॉड ना करे और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, तो हर आर्टिस्ट को आने देना चाहिए। या बड़ी पार्टीज होती है तो चले जाते हैं, फ्यूनरल में क्यों नहीं बुलाते हैं? तो फ्यूनरल में भी होना चाहिए, यू नो, बुलाना चाहिए आर्टिस्टों को। बुलाना नहीं चाहिए, मतलब जाना चाहिए खुद से। उनकी उनकी खुद विलन विश होनी चाहिए कि हमें जाना है, जस्ट टू पे अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंड हु हैज Gone. मैंने तो जितना भी मेरे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या जितना भी हो, जितना भी मैंने अपना शोक जताना था, मैंने डेफिनेटली, बहुत सैड न्यूज है, बिकॉज विनोद खन्ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ही वाज इज अ वेरी बिग हीरो, और बहुत ही ऐसा कोई हीरो नहीं होगा जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया होगा। बट हर आर्टिस्ट को तो जाना चाहिए, मे बी अगर शूटिंग है तो फिर नॉट पॉसिबल, सॉरी। ऋषि कपूर का ट्विटर पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि पार्टीज में चमचे की तरह आर्टिस्ट चले जाते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल ऋषि कपूर जी के साथ हूँ कि लोग पार्टी में चमचों की तरह चले जाते हैं, ड्रिंक विंक वहाँ पे फ्री होता है, इसलिए खाने पीने चले जाते हैं, बट फ्यूनरल होता है किसी बड़े स्टार का तो क्यों नहीं जाते हैं? दिस इज रॉन्ग। अरे, विनोद खन्ना है या कोई भी बड़ा लेजेंड है तो जाना चाहिए, क्यों नहीं? मैं तो पहुंच जाती हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे पहुंच जाती हूँ बिकॉज वहाँ पे तो विदाउट मेकअप जाना होता है ना, तो मुझे लोग पहचानते नहीं है वहाँ पे, इसीलिए विदाउट मेकअप तो मीडिया को पता ही नहीं चलता राखी आई कि नहीं आई। सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
क्लिनिक मत बोला यार, हॉस्पिटल बोल दो, बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा है. Actually, I think this is very good thing which has happened because when you have a good body, it actually give a loss of confidence. तो अगर ऐसा कोई चीज़ ऐसे बन के आती है जहाँ पे आप जाके अगर if you're not okay with something आप जाते हो और आप अपनी body को अपने हिसाब से modified कराते हो. So मुझे personally ऐसा लगता है कि it's like a blessing for everyone. और कभी future में अगर suppose बिल्कुल क्यों नहीं. आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इफ़ यू हैव एनी इशू विद योर बॉडी और आपके पास पैसे हैं और अगर मन करता है जाके कुछ ऐसा करना है तो इसमें कोई हार्म नहीं है. यू डोंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीवन. अच्छा, इंडस्ट्री में एक चलन है अगर सर्जरी कर लेते हैं लोग तो काफी हेजिटेट करते हैं इसे एक्सेप्ट करने में. हाँ, बिकॉज लोग जज बहुत करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ भी कोई भी बॉडी में कोई भी चीज़ करते हो पीपल दे सडनली जज, फिर उनको सिर्फ वही दिखता है, उनको और कोई चीज़ नहीं दिखती. मतलब जो चीज़ें आपकी बॉडी में बहुत नेचुरल है वो सडनली डिसअपेयर हो जाते हैं, तो इसलिए दे डोंट टॉक. फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैवन साइंड एनीथिंग बट आई हैव अ बिग रिलीज इन ऑगस्ट. इट्स अ साउथ फिल्म and we're going to release worldwide. Some big names are involved in the project and I think within this month in May I'm going to sign something in Hindi. Thank you so much. Thank you so much.